नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाल मिल के ऊपर। बाल मिल के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दूंगा। कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बात करेंगे आज के वीडियो में बाल मिल के इंटरनल्स, यानी कि उसके इंटरनल्स में क्या क्या होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बाल मिल इंटरनल्स में होता है हेडलाइनर, सेल लाइनर, डायफ्राम और ग्राइंडिंग मीडिया। बाल मिल के अंदर ये चार चीज़ें होती है, हेडलाइनर, सेल लाइनर, जो हेड यानी कि आपका टूनियन हेड रहेगा वहाँ पे रहेगा, और अपना सेल के अंदर जो लाइनर रहेगा सेल लाइनर, डायफ्राम, इंटरमीडिएट डायफ्राम भी रहेगा, डिस्चार्ज डायफ्राम भी रहेगा। वो हमारा मोनो चैम्बर है, डबल चैम्बर है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और ग्राइंडिंग मीडिया, ग्राइंडिंग मीडिया में आपको देखेंगे तो सीमेंट मिले तो 17 mm मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 90 mm तक का ग्राइंडिंग मीडिया आपको मिलेगा। वो डिपेंड करेगा सीमेंट मिले रो मिले उसके ऊपर। इसमें पार्ट्स दिखाएंगे हैं अपना, राइट साइड से टो लेफ्ट साइड से टो, आपको देख रहे हैं वीडियो तो आपको लेफ्ट साइड से टॉप में जो दिख रहा है वो मिल हेडलाइनर है, उसके बाद मिडिल वाला दिख रहा है वो इंटरमीडिएट अपना सेल लाइनर है, डबल वेव लाइनर है, उसके बाद में थर्ड फोटो जो दिख रहा है वो है डी के ऊपर में, जो फोटो दिख रहा है सी और डी के ऊपर में वो फोटो है क्लासिफाइंग लाइनर्स का। और नीचे बॉटम में राइट साइड से फर्स्ट वाला फोटो है वो देखेंगे तो डायफ्राम का है, और सेकेंड वाला जो फोटो है वो डायफ्राम, इंटरमीडिएट डायफ्राम बैक प्लेट का है, जिसके में वॉल प्लेट बोल सकते हैं, बैक प्लेट बोल सकते हैं, जो डायफ्राम के अप बैक साइड में रहेगी, और वो है इंटरमीडिएट डायफ्राम और ग्राइंडिंग मीडिया जो दिखाया गया है। ये सारे उसके पार्ट्स हैं जो हम देखेंगे डिटेल में। हम लाइनर्स के बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल से देखेंगे। टूनियन स्लंटेड, टूनियन हेड यानी कि थोड़ा सा टेपर रहता है, स्ट्रेट टूनियन हेड ये पूरा स्ट्रेट रहता है, ये दो टाइप के टूनियन हेड आते हैं। हम हेड लाइनर्स विद और विदाउट लिफ्टर, जो हमारा हेड पे जो लाइनर है वो विद लिफ्टर और विदाउट लिफ्टर है। इसमें देखो आप फोटो देखेंगे साइड में बड़ा फोटो, तो उसमें लिफ्टर दिखाया गया है, हल्का सा क्रॉस में लिफ्टिंग दिखाया गया है, और विदाउट लिफ्टर भी ये दिखाया गया, स्ट्रेट है पूरा। तो इस हिसाब से विद और विदाउट लिफ्टर के लाइनर है हेड लाइनर। इसमें हमारा मॉडल है VL07, VL112, VL125, उसमें हम क्रोमियम का परसेंटेज अलग अलग है, VL125 में 23-27 है। क्रोमियम का परसेंटेज क्या होता है कि जितना ज़्यादा क्रोमियम रहेगा, हाई क्रोमियम रहेगा तो वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के साथ विदस्टैंड करेगा, और हाई टेम्परेचर से वो वियर एंड टीयर नहीं होगा, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। कार्बन परसेंटेज उसमें दिया गया, हार्डनेस उसकी RC है, हार्डनेस इसकी अलग अलग दी गई है, 48-54 VL07 में, VL112 में 48-53 है, VL125 में 53-61 है, ये हार्डनेस है उसकी। सेल लाइनर्स, लिफ्टिंग लाइनर्स, जो सेल के लिफ्टिंग लाइनर्स है उनके बारे में बात करेंगे। लोरियन बार लाइनर्स, लोरियन बार लाइनर्स में क्या होता है कि जो हमारी एक ये रोड होती है ना सिविल, जिसके सेल के जैसे ही उसका लाइनर भी उस सब स्लो रहेगा, बट उसके ऊपर एक रोड टाइप का रहेगा, जैसे फोटो में देखेंगे 1, 2, 3, 4 रोड दिख रही है ना, वो रोडें उसमें रहेगी। अर्लियर लोरेन लाइनर्स वर डेवलप्ड फॉर द लिफ्टिंग एप्लीकेशन, जिसका लिफ्टिंग के एप्लीकेशन के लिए उसका डेवलप किया गया था, बट ये सक्सेस नहीं हुआ था, बट इट हैज़ द लिमिटेशन ऑफ अनकंट्रोल बार ट्रेजेक्ट्री एंड पुअर लिफ्टिंग एंड कसिंग एफिशिएंसी। जो अनकंट्रोल बार ट्रेजेक्ट्री है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है बार ट्रेजेक्ट्री को, और इसमें पुअर लिफ्टिंग इफिशियंसी होता है, और कशिंग भी इसमें पुअर होता है। तो इसके बाद में न्यू डेवलप्ड किया वो लाइनर कौन सा था, वो लाइनर था टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ फ्लोरेन लाइनर्स, स्टेप लाइनर्स वर डेवलप्ड फॉर द लिफ्टिंग एप्लीकेशन। इस लोरेन लाइनर्स के उसको कम ओवरकम करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए लिफ्टिंग लाइनर, स्टेप लाइनर्स का डेवलप किया गया था। बेनिफिट्स ओवर लोरेन डाई लाइनर, जो इसका स्टेप लाइनर का क्या बेनिफिट है, बेटर कंट्रोल्ड बॉल ट्रेजेक्ट्री, इसमें बॉल उससे कम बॉल ट्रेजेक्ट्री है, बेटर कशिंग एफिशिएंसी, बेटर लाइफ,
उसकी लाइफ भी अच्छी है। ये स्टेप लाइनर्स का फोटो है, देख सकते हैं आप, इस टाइप से होते हैं स्टेप लाइनर्स, स्टेप्स बनी होती है। इसमें ग्रेड है जो VL112, VL125, उसमें क्रोमियम का परसेंटेज और अपना कार्बन का परसेंटेज और हार्डनेस उसकी दी गई है ड्राइंग, उसका टेबल में आप देख सकते हैं। ड्रॉबैक्स, लेस लिफ्टिंग, लेस क्रशिंग इफिशियंसी दैन DWL, DWL यानी डबल वेव लाइनर, लेस क्रशिंग इफिशियंसी होती है उससे, हाई लॉस इन लिफ्ट, लिफ्ट में उसका जो लॉस है कहा ज़्यादा होता है। क्रशिंग इफिशियंसी रिड्यूस व्हेन लॉस ऑफ लॉस इन लिफ्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी लिफ्टिंग है उसमें लॉस हो जाता है, यानी कि वो वीर हो जाता है, तो वीर होने के बाद में इसकी जो क्या बोलते हैं ना इफिशियंसी, क्रशिंग इफिशियंसी, वो कम हो जाती है लाइफ टाइम के साथ में। बट DWL लाइन, डबल वेव लाइनर में ऐसा नहीं होगा। हायर स्प्लेज स्लिपेज ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया, ग्राइंडिंग मीडिया का स्लिपेज है उसमें ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू DWL। DWL इसका भी डेवलप्ड वर्जन है। ये स्टेप एंड वेव लाइनर है, उसके बाद में स्टेप एंड वेव, स्टेप लाइनर के बाद स्टेप एंड वेव लाइनर डेवलप किया। स्टेप एंड वेव लाइनर का एप्लीकेशन सेम है, बट स्टेप लाइनर, बट वेव लाइन, वेव आर गिवन ऑन लाइनर्स टू रिड्यूस स्लिपेज ऑफ बॉल्स, बॉल का स्लिपेज को कम करने के लिए इसको दिया गया है। आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें, आप यहाँ से खड़े होके इसको देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड से ये आपको क्लॉकवाइज जो दिख रहा है ना फोटो सेकंड वाला, जो उसमें 1 2 3 4 5 लाइनर दिख रहे हैं, तो उसमें आपको मिल का डायरेक्शन कैसे रहेगा वो कैसे पता करेंगे, तो इसमें आपको देख रहे हैं आप, तो इससे आपको ये क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इसकी स्टेप्स है ना वो जल्दी वियर हो जाएगी, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, घूमेगी ये वाली मिल। इसमें आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं, इस जो हम देख रहे हैं उस व्यू से बता रहा हूँ, बाकी आप उसका मोटर साइड से देखोगे तो अलग दिखेगा उसका, जो अभी व्यू दिखा रहा है उस व्यू से आपको क्लॉकवाइज दिखेगी, घूमनी चाहिए वो मिल। एप्लीकेशन इज सेम एज स्टेप लाइनर्स, बट वेव आर गिवन टू रिड्यूस स्प्लेज, बट डिजाइन डजंट ओवरकम लिमिटेशन ऑफ स्टेप लाइनर्स अदर देन स्प्लेज ऑफ बाल्स, स्लिपेज ऑफ बाल्स, स्लिपेज ऑफ बाल्स के अलावा उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व नहीं कर पाया, यानी कि जैसे कि लाइफ टाइम, लाइफ के साथ में वीर होने के बाद में उसमें जो प्रॉब्लम है वो भी वीर नहीं हो पाया, तो सारी प्रॉब्लम्स रही उसमें। डबल वेव लाइनर्स, बेनिफिट्स ऑफ डबल वेव लाइनर्स ओवर स्टेप एंड वेव लाइनर्स, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो हम देखेंगे, नीचे रेड ग्रीन कलर के बॉक्स में बताएं। इसकी डबल वेव लाइनर्स की हार्डनेस और क्रोमियम परसेंटेज में दिखाया गया है, टेबल में आप देख सकते हैं कितना है। रिड्यूस द स्लिपेज ऑफ बाल्स, बाल्स का स्लिपेज कम हो जाता है। रिड्यूस इन द स्पेसिफिक पावर कंजन ऑफ द फर्स्ट चैम्बर, ये डबल वेव लाइनर फर्स्ट चैम्बर में यूज किया जाता है, जो फर्स्ट चैम्बर की जो स्पेसिफिक पावर कंजप्शन है वो कम हो जाती है। द ग्रोविंग फेनोमेना इज लेस, मोर लिफ्ट रिजल्ट इन बेटर क्रशिंग इफिशियंसी, इससे लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, लिफ्ट करेगा बाल का तो उससे क्रशिंग इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर उठ के फिर गिरेगा तो उससे जो इम्पैक्ट होगा वो अच्छा होगा, और इम्पैक्ट अच्छा होगा तो क्रशिंग अच्छा होगा। द डेड जोन इज रिड्यूस, डेड जोन इन द सेंस कि जो हमारा लिफ्टिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वहीं वहीं वो घूमता रहेगा, तो वहीं वहीं घूमता रहेगा तो वो हमारा जो उसकी प्रॉपर इफिशियंसी देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। ड्यू टू यूनिफॉर्म वियर द लिफ्टिंग एक्शन इज मोर यूनिफॉर्म थ्रू ओवर द लाइफ टाइम, इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म वियर होता है तो उससे जो हमारा जितनी भी लाइफ इसकी लाइनर्स की होती है उतना टाइम तक उसको यूनिफॉर्म एक्शन रहता है, यूनिफॉर्म उसमें हमको क्रशिंग मिलेगा। बोल्डलेस डिजाइन बेनिफिट इज इन लिमिटेशन ऑफ ब्रिकेज फॉलिंग ऑफ लाइनर्स मोर यूनिफॉर्म मेट्रोलॉजी ETC। बोल्डलेस डिजाइन बेनिफिट इन लिमिटेशन ऑफ ब्रिकेज फॉलिंग ऑफ लाइनर्स मोर यूनिफॉर्म, इसकी मेट्रोलॉजी भी यूनिफॉर्म होती है, ये सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। यूनिवर्सल वेगा लाइनर्स, यूनिवर्सल वेगा लाइनर्स क्या है, इसमें देखो तीन टाइप्स के होते हैं, ए स्मॉल टाइप का, बी मीडियम टाइप का, सी हाई टाइप का। इसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है कि ए ए ए, यानी कि उसमें ए का भी कॉम्बिनेशन होता है, ए बी ए के साथ में बी, ए के साथ में बी, ए बी ए सी, ए के साथ में बी, ए के साथ में सी, इसमें मतलब ए सब जगह रहेगा और बी और सी उसके साथ में कॉम्बिनेशन रहेगा,
तो एक कॉम्बिनेशन होता है इसमें ए की क्या मैक्सिमम हाइट है, मिनिमम हाइट है, लिफ्टिंग हाइट है, लिफ्टिंग लेंथ है और लिफ्टिंग एंगल, वो सारे इसमें दिखाए गए हैं। ए की सी की कितनी, बी की कितनी, ए की कितनी है। लिफ्टिंग एंगल मैटर करेगा आपको कितना लिफ्ट एंगल तक वो लिफ्ट करके छोड़ रहा है उसको। और इसमें हमारा ग्रेड दिखाया गया है कौन सा ग्रेड का, कितना कार्बन परसेंटेज है, कितना क्रोमियम परसेंटेज है, कितना हार्डनेस है, वो इसमें दिखाया गया टेबल में, वो देख सकते हैं आप। बेनिफिट्स ऑफ यूनिवर्सल वेगा लाइनर्स ओवर अदर्स। लाइनर डिजाइन इज टेलर मेड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन विच इज एब्सोल्युटली फिट फॉर द फीड मटेरियल क्वालिटी। जो फीड का जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी मिल पैरामीटर एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। जो इसका डिज़ाइन है वो मिल की फीड की मटेरियल की क्वालिटी, मिल पैरामीटर और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। पैरामीटर कैन बी मिनिमाइज एज कॉमन लाइनर्स कैन बी यूज इन इंटायर चैम्बर्स। पैटर्न कैन बी मिनिमाइज एज कॉमन लाइनर्स कैन बी यूज इन इंटायर चैम्बर, पूरे चैम्बर में यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंसिडरेबली रिड्यूस एज फ्यू पैटर्न्स ड्रॉ इन द डिज़ाइन। कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करना है इन डिज़ाइन में तो इसके इन्वेंट्री यूनिट वेट ऑफ लाइनस इज लेस 25 kg विच रिड्यूस वेट ऑफ इंटायर चैम्बर एंड कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारे इसका यूनिवर्सल UVL लाइनर का क्या वेट कम होता है स्पेसिफिक। आप दूसरे देखेंगे तो WW अपना डबल वेव लाइनर्स का वेट होता है ऑलमोस्ट 60+ होता है, 67 kg। वो अलग अलग रहेगा, तीन उसमें रहेगा आपका हेड लाइनर के पास में एक छोटा पीस आएगा, उसके बाद DW आएगा, उसके बाद में अपना इंटरमीडिएट लाइट डायफ्राम के पास में एक लाइनर्स की बोल्टेड लाइनर्स की रहेगी, वो उसके हिसाब से वो तीन टाइप का वेट रहेगा उसमें वो है। इससे इसमें अपना UVL में क्या है वेट कम रहेगा, तो वेट कम रहेगा तो उसका स्पेसिफिक वेट कम होने से उसका स्पेसिफिक पावर कंजप्शन कम हो जाता है। लाइनर कैन बी मेड मोर होमोजीनियस विथ हार्डर मेटलर्जी ड्यू टू रिड्यूस वेट एंड साइज। इसमें हार्डर मेटलर्जी को का भी यूज़ किया जा सकता है जिससे कि इसमें क्या है उसकी वेट और साइज कम होता है। वेट इज रिड्यूस अप टू 25%, इसमें और भी फर्दर हम 25% तक रिड्यूस कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन इज सच फास्टर देन अदर डिज़ाइन ड्यू टू लोअर यूनिट वेट एंड ईज इन हैंडलिंग। इसमें क्या यूनिट वेट कम होता है जिससे कि उसको उठाने में और लिफ्टिंग और शिफ्टिंग में ईजी होता है। बाल ट्रेजेक्ट्री कैन बी कंट्रोल मच बेटर टू इम्प्रूव क्रशिंग इफिशियंसी। बाल की ट्रेजेक्ट्री यानी कि जो ट्रेजेक्ट्री इन द सेंस क्या था, वहीं वहीं घूमना, वो उसका लिफ्टिंग नहीं होगा तो वो क्या होगा कि जो उसका इम्पैक्ट है वो प्रॉपर नहीं होगा और वहीं घूमता रहेगा। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल कैसे बोल सकते हैं, दो गट्टी होती है ना, गट्टी के पार्ट दोनों एक ही के ऊपर घूमते रहते हैं, इस तरह से वहीं घूमता रहेगा, उसको लिफ्टिंग का जो इम्पैक्ट है ना वो नहीं हो पाएगा, वो ट्रैजेक्टरी एफिशिएंसी कम है। इट रिड्यूस द डेड जोन सच एज द वेस्टफुल डिस्प्रेशन ऑफ बॉल चार्ज डायरेक्टली टू ऑन द लाइनर्स। इट टोटली इलिमिनेटेड दिस अवॉइड एक्सेसिव वियर और डैमेज ऑफ लाइनर्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा, कुछ जो भी सीखा है आप कृपया करके कमेंट करके बताइए, और आपको क्या और नया चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए जिससे कि मैं आपको उस रिलेटेड टॉपिक पे मैं वीडियो बना के देने की ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।